इस वीडियो में जानेंगे कि एम पॉकेट एम कॉइंस को कैसे यूज करना है। एम पॉकेट ऐप यूजर जानती हुई कि यहाँ पे आपको रेफर एंड अर्न वाले एक फीचर मिलता है। जब आप अपने किसी फ्रेंड को एम पॉकेट ऐप में इनवाइट करते हैं ना, तो आपको क्या मिलते हैं, तो आपको 50 एम कॉइंस मिलते हैं। मतलब कि आपको 50 पॉइंट मिलते हैं जब आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं। लेकिन बहुत सी यूज़र्स नहीं जानते कि एम पॉकेट एम कॉइंस को कैसे यूज करना है, तो इस वीडियो में एम पॉकेट एम कॉइंस को कैसे यूज करना और इनको रिडीम कैसे करना है इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे एम पॉकेट का ऐप है, यहाँ पे आपको एम कॉइंस नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको बैलेंस में अपने एम कॉइंस देखने को मिल जाएंगे। देख सकते हैं कि मेरे एम कॉइंस अभी है 969 रुपये। 1 एम कॉइन बराबर 1 रुपी होता है, मतलब कि यहाँ पे मेरे 969 एम कॉइन है, मतलब कि रुपी में कन्वर्ट होने के बाद होंगे 969 रुपये। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूँ कि इन एम कॉइन को आप अपने बैंक अकाउंट में रिडीम नहीं कर सकते हैं। इन एम कॉइन का यूज आप सिर्फ एम पॉकेट ऐप में ही कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम बैक हो जाते हैं। इसके बाद है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक्टिविटी वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको सिंपली एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने कोई लोन लिया होगा ना, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इंटरेस्ट बिफोर ड्यू डेट वाला, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट कितना लगा है, 40 रुपी, और एम कॉइन कैशबैक कितना है, 4 रुपी। तो देख सकते हैं कि जब मैंने एम पॉकेट ऐप से लोन लिया, तो मेरे 4 एम पॉकेट एम कॉइंस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गए और मुझे 4 रुपी का कैशबैक मिल गया। तो इसी तरीके से आप भी इन कॉइन्स का यूज कर सकते हैं। आप जब भी कोई लोन अप्लाई करते हैं ना, तब भी आपको एक ऑफर देखने को मिल जाता है। अभी हम जान लेते हैं कि एम पॉकेट कॉइन्स को रिडीम कैसे करना है। तो सबसे पहले आप होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपना लोन सिलेक्ट करना है। बन पेमेंट को सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट यू वांट टू बोरो वाले ऑप्शन में आप 500 रुपये सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद टेन्योर ऑफ योर लोन में आप 30+90 डेज सिलेक्ट करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एम कॉइंस का कैशबैक अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे आप टोटल अमाउंट पेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे एम कॉइन कैशबैक 0 रुपी शो कर रहा है। मतलब कि 500 रुपये के लोन में जो आप 30 दिन के लिए रहते हैं, उसमें एम कॉइंस कैशबैक अप्लाई नहीं होता है। तो एम कॉइन कैशबैक को अप्लाई करने के लिए आपको क्या हुआ, या तो आप टेन्योर ऑफ योर लोन में 60 और 90 डेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे है ना आपका एम कॉइन कैशबैक अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोन टेन्योर में 61 डेज को सिलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एम कॉइन कैशबैक 4 रुपी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जितने बड़े अमाउंट का लोन लेते हैं और आपका लोन टेन्योर उतना ज़्यादा होता है, उतना ही ज़्यादा एम कॉइन कैशबैक अप्लाई होता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा 2000 रुपये, और यहाँ पे मैं टेन्योर ऑफ योर लोन में सिलेक्ट करूँगा 90 डेज। 90 डेज पे क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे एम कॉइंस कैशबैक में 23 रुपी दिखा रहा है। तो मतलब कि जो भी इंटरेस्ट लग रहा था ना, उसमें से 23 रुपी माइनस हो जाएंगे और एम कॉइंस पैसे मेरे 23 रुपी कट हो जाएंगे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, रिक्वेस्ट लोन पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट दिखने लगेगा। बैंक अकाउंट पर क्लिक करके, अग्री पर क्लिक करके आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बता रहा था, देख सकते। तो इस तरीके से एम कॉइंस कैशबैक अप्लाई होता है। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि हमारे एम कॉइंस से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं होते। जब आप कोई लोन लेते हैं ना, तो उसमें आपके ऑटोमेटिकली एम पॉइंट ऐड हो जाते हैं और आपके एम कॉइंस डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एम कॉइंस को रिडीम कर सकते हैं। गाइस, मैंने आपको एम पॉकेट के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर की है। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।